हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, आर्म्स एंड ड्यूल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो ड्यूल यूज जो गुड्स और टेक्नोलॉजीज है ना, उनके लिए एक्चुअली जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसफ़र होती है कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी है वो लेके आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना है ना, वो इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो देखो, हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है ना, ये मेनली बनाया गया था इसलिए कि भाई जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है ना, ये ना तो कोई दूसरी कंट्री बनाए। जैसे कि मान लो कि इंडिया कोई ऐसी चीज़ का एक्सपोर्ट ना करे जिससे कि कोई दूसरी कंट्री उसका केमिकल वेपन बनाए उससे, या फिर कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाए। तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो किस लिए है, ये इसलिए है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनका डेवलपमेंट ना हो और उसमें किसी कंट्री का कोई डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं हो, इसके लिए है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। अब हम बात करें वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट है ना, उसका काम है कि भाई जो भी ड्यूल यूज गुड्स, मतलब जिनका दो तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिविल पर्पज़ के लिए भी और या फिर दूसरे मतलब मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी, कोई और भी तरह के यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करें कि न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर है मान लो कि न्यूक्लियर एनर्जी है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से वैसे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और इससे बम भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो गई हैं ड्यूल यूज गुड्स, मतलब उसका दो तरह से यूज है वो हो सकता है। तो ड्यूल यूज जो गुड्स टेक्नोलॉजीज हैं इनको लेके जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है वो है वासेनार एग्रीमेंट, और इसका भी चाइना पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जेंडर पेरिटी इंडेक्स को लेके। आपको बताना है कि जेंडर पेरिटी इंडेक्स वो कौन पब्लिश करता है। देखो, हमने इंडेक्स है उनको काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई जेंडर पैरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी है, वो क्या जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे आइगन सी के बारे में। आइगन सी है उसकी लोकेशन कहाँ है या कौन कौन सी कंट्री के बीच में है। पहला है आपके सामने लातविया एंड स्वीडन, दूसरा है इटली एंड क्रोटिया, और तीसरा है टर्की एंड ग्रीस, और चौथा है इटली एंड ट्यूनिशिया। तो देखो, जो आइगन सी है ना वो टर्की और ग्रीस इन दोनों के बीच में है। चलते हैं आज की हमारी फिर न्यूज़ की तरफ। आज जो पहला आर्टिकल है वह है ऑपरेशन रेंज हैंड को लेके। क्या है ऑपरेशन रेंज हैंड वो हम देख लेते हैं। तो वो थोड़ा आप कंटेक्स्ट के साथ हम बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। देखो, बेसिकली कंटेक्स्ट पहले ये है कि यूएस ने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कितने रुपये, 183 मिलियन का। तो देखो, डॉलर वगैरह तो याद नहीं रखनी है हमें कितने मिलियन का है। यूएस ने जो प्लान लॉन्च किया ना, चाहे जो हम बोले कि मिशन है, ये इसलिए लॉन्च किया है कि भाई वियतनाम के अंदर, देखो जो यूएस ने वार किया था 1961 से लेके 71 के बीच में, वियतनाम में लड़ाई हुई थी यूएसए की, तो वहाँ पे एक केमिकल एजेंट था ऑरेंज, केमिकल एजेंट ऑरेंज नाम था उसका, मतलब एजेंट ऑरेंज, इसका यूज़ किया गया था भारी मात्रा में। तो उसको अभी ख़त्म किया जा सके, इसका जो वहाँ पे स्टोरेज वगैरह किया गया था उन सबको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन रेंज हैंड है वो अभी यूएसए के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई जो केमिकल एजेंट था ऑरेंज, ये है क्या। देखो, जो केमिकल एजेंट ऑरेंज था ना, यह बेसिकली क्या करता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनको सुखा देता है, इनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, और मतलब भूमि है उसको बंजर कर देता है। इसका यूज़ इसलिए किया गया था उस टाइम पे क्योंकि यूएसए को ऐसा लगता था कि भाई वियतनाम के अंदर जो भी मतलब उनके दुश्मन हैं, इनेमी है ना, वो जंगलों में जाके छिप रहे हैं। तो इसलिए यूएस ने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम जंगलों के अंदर ही जंगलों को बर्बाद कर दें, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे जंगलों से और फिर हम उनको मार देंगे। तो एक तरीके से जो ये केमिकल एजेंट है ना ऑरेंज, ये आपको ध्यान में रखना है कि केमिकल एजेंट ऑरेंज है क्या। ये एक तरीके से इसमें डायोक्सिन होता है जो कि वैसे कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूएस ने क्या किया, हेलीकॉप्टर्स वगैरह की इनकी हेल्प से जो ये केमिकल एजेंट ऑरेंज है इसकी काफ़ी मतलब वर्षा कर दी थी वहाँ पे वियतनाम में, और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह है वो मतलब ख़त्म भी हो गए, बंजर वगैरह हो गए थे। तो अभी वो जो उस टाइम पे ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था रेंज हैंड। तो
आपको ध्यान रखना कि ऑपरेशन रेंज एंड है वो था कब, 1961 से 71 में वियतनाम में चलाया था यूएसए ने। तो अभी जो केमिकल एजेंट वहाँ पे स्टोर किया गया था, जिसकी बमबारी की गई थी, उसको समाप्त करने के लिए जो भी उसके स्टोरेज वगैरह थे, उसके लिए यूएसए ने अभी प्रोग्राम चलाया है ऑपरेशन रेंज एंड। तो यह कंटेक्स्ट था और सारी न्यूज़ को हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को लेके। देखो कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है ना, उसके द्वारा एक स्पेशल किट है वो सभी स्टेट्स को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। किसके तहत? निर्भया फंड के तहत। तो ये तो है बेसिकली कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि भाई ये किट है, इसका यूज़ क्या होगा और क्यों इस किट को मतलब लॉन्च किया गया है। क्योंकि देखो वैसे आपको लगेगा कि भाई ये किट है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होना चाहिए, नहीं, बट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है। देखो जो भी सेक्सुअल असोल्ट के केस होते हैं तो उस तरह आपको पता है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, काफ़ी सारी जांच होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो सैंपल वगैरह हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसे मान लो कि किसी के साथ कोई भी रेप केस हुआ तो उस कंडीशन में उसके ब्लड सैंपल, जो सीमन के सैंपल हैं, वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसीलिए किट लॉन्च किया गया है हर स्टेट के लिए कि भाई कहीं भी अगर ऐसा केस होता है बाई चांस तो उसके जो भी सैंपल हैं मेडिकल के लिए वो कलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो किट तैयार किया है इसमें टेस्ट ट्यूब्स होंगी, बोटल्स होंगी, ताकि जो ब्लड और जो सीमन के सैंपल हैं सेक्सुअल असोल्ट के मामले में उनको क्लेट किया जा सके और फिर उनके त्वरित कार्रवाई की जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब और बोटल्स के अभाव में सैंपल कलेक्ट नहीं किए जाते और फिर बाद में केस और पेचीदा हो जाता है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्पेशल किट है वो स्टेट को प्रोवाइड करवाने की बात है वो की है। स्कीम कौन सी थी, ध्यान रखें कि निर्भया फंड गवर्नमेंट ने तैयार किया था 2012 में, जब दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था उसके बाद में। तो तभी जो ये फंड बनाया गया था, इस फंड का पैसा यूज़ किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा और फिर ये किट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सभी स्टेट्स में। तो एक तरह से मेडिकल जो लीगल इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी हेल्प है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है मोस्क्यूरिक्स को लेके। देखो मोस्क्यूरिक्स है ना, वो वर्ल्ड की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि पैरासिटिक डिजीज है उसके अगेंस्ट काम है वो करने वाली है। ये है सबसे पहला हमारा मोटा कंटेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेनली कि और किस लिए है। देखो बेसिकली यह है मलेरिया के लिए, थोड़ा मलेरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मलेरिया है क्या। देखो मलेरिया जो डिजीज़ है ना वो आपको पता है कि जो इन्फ्लुएंटाइसिस जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से मेनली फैलता है या इसकी वजह से ये होता है। अगर हम बात करें और इसके स्प्रेड होने की, तो यह होता है एक फीमेल मच्छर होता है जिसका नाम है एनोफ्लीज मॉस्किटो। जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है ना उसके अंदर पैरासाइट पाया जाता है और उसकी वजह से यह मेनली फैलता है। अब जो नई मेडिसिन बनाई गई है ये मोस्क्यूरिक्स, ये क्या करेगी, मलेरिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो है। और अभी कंटेक्स्ट ये था कि WHO ने इसको अलाउ कर दिया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी डेथ हो रही थी मलेरिया की वजह से। ये था मेनली मोटा मोटा कंटेक्स्ट और जो हमने देख लिया कि भाई ये मोस्क्यूरिक्स है क्या है। होगा क्या कि ये मोस्क्यूरिक्स जो दवाई है ना, या ये हम बात करें कि एक तो एक ड्रग्स है, यह करेगा कि जो एंटीबॉडीज़ है ना उनकी हेल्प से प्रोटीन के यूज़ करेगा और जो भी पैरासाइट होंगे बॉडी के अंदर उनको कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से रोक देगा, ताकि वो लीवर वगैरह को इफेक्ट है ना करें। और मेनली जो ये मोस्क्यूरिक्स है ना, ये हेपेटाइटिस बी वायरल प्रोटीन और जो केमिकल एडजुवेंट है उसका भी यूज़ है, और जो इम्यून सिस्टम होता है इसको भी इम्प्रूव है या एफिशेंसी काम करने के लिए अलाउ करेगा। तो आपको ध्यान रखना कि मोस्क्यूरिक्स है क्या, वर्ल्ड की पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि पैरासिटिक डिजीज यानी कि मलेरिया के अगेंस्ट काम है वो करने वाली है। तो अभी WHO ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको अलाउ है वो किया है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि भाई इंडिया के द्वारा मलेरिया को लेकर क्या क्या एफर्ट वगैरह किए गए हैं, इंडिया ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं। देखो देखा जाए तो जो इंडिया है उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मलेरिया की जो डिजीज़ है वो देखने को हमें मिलती है, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाए हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे जो मेजर स्टेप है वो है ईस्ट एशियन समिट 2015 में। 2015 में जब ईस्ट एशिया समिट हुआ था तो उस दौरान ये बात की गई थी इंडिया के द्वारा कि भई हम 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इंडिया है वो मलेरिया फ्री कंट्री घोषित हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे स्टेप भी उठाने होंगे, और गवर्नमेंट ने पब्लिक डिक्लेरेशन अगर लॉन्च की है तो इसलिए गवर्नमेंट ने छोटे छोटे प्लान भी बनाए हैं, मतलब 5 ईयर की नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाई है ताकि मलेरिया को एलिमिनेट किया जा सके। एक फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि मलेरिया को कंट्रोल करना है पहले, फिर इसको एलिमिनेट यानी ख़त्म करना है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहले ये स्टेप उठाया है कि भाई हमारे देश में 571 वो स्टेट जहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब है उन स्टेट को, सॉरी उन ज़िलों को आइडेंटिफाई किया गया है, और उन ज़िलों में प्रोग्राम चलाया गया है, और उनका टारगेट रखा गया है कि भाई इन ज़िलों में जो 571 ज़िले हैं ना, यहाँ पे 2022 तक हम कहीं ना कहीं मलेरिया को रोक सकें, और इसके बाद में जो कोई स्टेट और भी बच जाएंगे और कंप्लीट तरीके से 2030 तक एट एनी कॉस्ट हम इंडिया को मलेरिया फ्री घोषित हैं वो करवा सकें। ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास है वो यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का आप थोड़ा मतलब निकालिए, मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे परंपरागत तरीके नॉलेज हैं उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है वो तैयार की है। तो हाँ ये बिल्कुल ऐसी ही है कि हमारे जो भी पारंपरिक जो पुराने तरीके हैं जो हमारी परंपराओं के अनुसार चले आ रहे हैं उनकी एक डिजिटल डाटाबेस है वो तैयार किया गया है, ये ध्यान रखना है। कंटेक्स्ट वैसे ये है कि आयुष मिनिस्ट्री और इसी के साथ ही काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR है, इन दोनों के बीच में कोलेब्रेशन हुई है, और इसका मोटो ये रहा है कि भाई जो भी हमारे देश के नेचुरल ट्रेडिशनल तरीके हैं मेडिसिन के पर्पज़ मेडिकल सेंटर सॉरी मेडिकल सेंटर में और इसी के साथ ही जो मॉडर्न साइंस के एरिया में, उन सभी आइडियाज़ को एक डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल फॉर्म में रखा जा सके ताकि जब भी ज़रूरत हो तो उनका यूज़ है वो किया जा सके। अब हम देखते हैं आगे। आगे देखो बात ऐसी है कि यह ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी कोलाब्रेशन हुई है कि एक मिनिस्ट्री है दूसरी बॉडी के साथ मतलब एक कोलाब्रेट कर रही है, इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसी कोलाब्रेशन है वो हो चुकी है। तो अभी ध्यान रखना है कि CSIR वो जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है वो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आपको पता कि अभी आयुष मिनिस्ट्री बन चुकी है, ये दोनों ही ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है वो बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, जैसे कि ये मान लो कि पेट दर्द की कोई भी ट्रेडिशनल मेथड है हमारे पास कि भाई ये जड़ी बूटियाँ हैं इनका यूज़ करके हम पेट दर्द का इलाज कर सकते हैं, तो वो हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड, और उसी के ऐसे मेथड्स को भी स्टोर है वो किया जाएगा इस रिपोजिटरी के थ्रू। और हम बात करें तो जो भी डिजिटल नॉलेज हो जाएगा इसका बेनिफिट क्या होगा कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं उसमें भी इंडिया के मेथड को स्प्रेड किया जा सकता है। इसी के साथ ही और तरह के बेनिफिट है, हम बात करें कि कोई भी ऐसा केस हो जाए तो गवर्नमेंट के पास रहा डाटा स्टोर रहेगा, मतलब कोई भी ऐसा केस हो कि भाई गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना हो कोई भी एक्सपीरियंस मामले में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें आयुर्वेदा का भी मेथड रहेगा, यूनानी भी, सिद्धा भी और योगा को भी इसमें शामिल किया गया है। सारा डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में होगा और 5 लैंग्वेज में, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश, ताकि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज भी इसका बेनिफिट है वो उठा सकें। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।